पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की सुबह ही फोन पर बात हुई थी। फिर अचानक ही मोदी ने ट्वीट करके बताया कि वो लाहौर जा रहे हैं। मोदी पहली बार पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे और पहुंचे भी कहां, सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पैलेस में। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। गर्मजोशी से मुलाकात हुई है, गले लगे हैं नवाज शरीफ को, बर्थडे बॉय हैं। जी हां, जन्मदिन है आज नवाज शरीफ का, 66 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बधाई दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले, और उसके बाद इस बात की जानकारी भी दी कि वो मुलाकात करने वाले हैं। हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे, भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर करीब 1.5 घंटे रहे। वहां उनकी खूब खातिरदारी हुई। घर में दोहरी खुशी का मौका था, एक नवाज शरीफ का आज जन्मदिन है और दूसरा नवाज की नातिन की शादी का। घर में मेहमानों की भीड़ के बीच अचानक मोदी के पहुंचने से रौनक बढ़ गई। पाकिस्तान की सेना हमारे देश के जवानों पर गोलियां चलाए और आपकी सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ चिकन बिरयानी का भोजन करें। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है, मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल पालक पनीर खीर परोसी जाएगी।